बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में जारी है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी जारी है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के जालौन ब्लॉक, रामपुरा ब्लॉक, चित्रकूट जिले में संपूर्णता अभियान जारी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के जालौन ब्लॉक, रामपुरा ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को गांव में 30 सितंबर से पहले सभी मानकों के कार्य पूरा करने के लिए विस्तार से समझाया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण के साथ ही पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी गई। जो ब्लॉक हमारा पिछड़ा रहा था 30 सितंबर तक को इस पूरे ब्लॉक को इस विकास की तेज गति से जोड़ना है और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम सबको पूरा करना है। यहाँ विकासखंड जालौन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जो नीति आयोग भारत सरकार एवं नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ये ब्लॉक आकांक्षात्मक ब्लॉक के रूप में है। इसके लक्ष्यों को हमें 30 सितंबर तक प्राप्त करना है। कैसे गर्भवती महिलाओं को कब रजिस्ट्रेशन करना है, उनको उनको कैसे सेवाएं देना है, ये सब के बारे में मुझे काम करना है। वहीं नीति आयोग के आकांक्षी जिले चित्रकूट में संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्न प्राशन, गोद भराई, टीकाकरण, हाइपरटेंशन तथा डायबिटीज चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। अनेक लाभार्थियों के लिए प्रमाण पत्र और उपहार का भी वितरण किया गया। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा आदि विषयों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। भी हमारे सरकारी स्कीम्स हैं, स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो छह स्कीम्स जिसमें महिलाओं, बच्चे और किसानों के लिए आय में वृद्धि के लिए तो बेनिफिशियल होने वाले स्कीम्स, हम लोग इंटेंसिवली 3 महीने ये कार्यक्रम चलेगा। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह इसको हम लोग इसी तरह कैंप लगा के जनप्रतिनिधि के साथ लोगों तक पहुँचेंगे ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। देश के पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में जरूरी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।